हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब साइलिक चैनल और मैं हूं प्रेरणा। फ्रेंड्स, जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो दूसरे ही पल मुझे यही ख्याल आया कि पता नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजेरियन। कि नॉर्मल डिलीवरी हम चाहते तो हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं थी, हर उस महिला की है जो पहली बार माँ बने। बात आती है पहली डिलीवरी की, तो बहुत सारा मन में सवाल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, कि हर कोई नॉर्मल डिलीवरी चाहता है। नॉर्मल डिलीवरी की बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप बच्चे को अच्छे से संभाल सकती हैं, जल्दी रिकवर हो सकती हैं डिलीवरी के बाद में। फ्रेंड्स, जो चीजें मैंने फॉलो की, जो टिप्स जो ट्रिक्स मैंने फॉलो की, और उससे मेरा पूरा प्रेगनेंसी का सफर बहुत ही अच्छा रहा, आज वो सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं प्रेगनेंसी, बेबी केयर से रिलेटेड, वुमेन इश्यू से रिलेटेड ढेर सारे इनोवेटिव टॉपिक्स, यूजफुल टॉपिक्स लेके आती रहती हूँ। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल पे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमें उस समय में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की एबनॉर्मेलिटीज को क्रिएट कर देता है, जिनकी वजह से हो सकता है कि हमारी हो तो सकती थी नॉर्मल, लेकिन उन तनाव की वजह से कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तनाव की वजह से हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं। अब तनाव को आप कैसे दूर करेंगे, कई चीजें कर सकते हैं आप। आप अपने पसंद का संगीत सुने, संगीत मन को बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल और लिटरेचर पढ़े, लिटरेचर पढ़े, अच्छी अच्छी बुक्स लेके आए, उन्हें पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, हालांकि शुरू के 3 महीने एक्सरसाइज सजेस्ट नहीं की जाती है, लेकिन उसके बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि वॉक तो बेस्ट है एक्सरसाइज में। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं जानते हैं, आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, आपको एक्सरसाइज नहीं आता है, तो हम वॉक तो कर ही सकते हैं। डेली 30 मिनट आप वॉक करें, 1 घंटे तक कर सकती हैं आप, अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है। म्यूजिक, बुक पढ़ना और वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज हल्की फुल्की जो प्रेगनेंसी में की जाती है, करके आप तनाव से बच सकती हैं। दूसरी चीज है नकारात्मक बातों से। हम अक्सर जब प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं, अरे मेरे साथ तो ये हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। रुक जाइए, समझिए इस बात को कि हर महिला अलग होती है, हर महिला का शरीर अलग होता है, हर महिला का अनुभव अलग होता है। किसी की सुने सुनाए किससे, कहानियों से आप अगर किसी के बुरे अनुभवों को अपने मन में डाल के और डर पैदा कर लेंगे, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, और एकदम पॉजिटिव रहें ऑल द टाइम। अगली चीज है बहुत अच्छे से पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना। फ्रेंड्स देखिए, पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो आपका बेबी है पेट के अंदर, वो एक पैक में, एक सैक के अंदर पैक होता है, और वो पूरी तरह से पानी के अंदर होता है, जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होगी, तो बेबी को, बेबी का जो फ्लूइड होता है उसमें भी पानी पर्याप्त मात्रा में होगा, और बेबी अच्छे से मूव करेगा, डेवलप होगा। लेकिन अगर आप खुद ही पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं लेंगे, तो बेबी को भी पानी सफिशियंट नहीं मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी जो होगी वो लो हो जाएगी, और बेबी अच्छे से मूवमेंट है उसके अच्छे डेवलपमेंट में उतना उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो बहुत अच्छे से पानी पीना, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप हमेशा अपने साथ एक बॉटल कैरी करें, आप जहां भी जाएं छोटी बॉटल अपने साथ अपने बैग में जरूर कैरी करें, और उसे थोड़ी थोड़ी देर पे पीते ही रहें। पानी के अलावा और भी लिक्विड आप ले सकते हैं, जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, तरह तरह से नारियल पानी हो गया। जरूरी नहीं कि एक पानी पे ही हम डिपेंड रहें, अलग अलग चीजें लिक्विड हम लेते रहें, जिससे हमारे बॉडी में जो है हाइड्रेशन बना रहे। अगली चीज जो मैंने फॉलो करी और जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा, कि अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। आप ये नहीं समझें कि
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे बेड रेस्ट करना चाहिए। बैठे बैठे खाना खाने से हमारी चर्बी बढ़ेगी और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम होती जाएगी। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इसका दूसरा साइड भी है कि ये ना हो कि हम फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के नाम पर बहुत ज्यादा काम करते चले जाएं, जिससे हमारे को प्रॉपर रेस्ट ना मिल पाए, हम एकदम टायर्ड रहें, ठीक से खाना पीना नहीं हो पा रहा हमारा थकान के मारे। ऐसा भी नहीं करना, एकदम बीच में आना है। आपको उतना काम करना है, उतना चलना है जितना कि आपकी बॉडी कोऑपरेट कर पा रही है ना। और उसके अलावा आप कुछ योगासन भी हैं, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि एक अलग से वीडियो करूं कि उस समय कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। चाहे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए। फ्रेंड्स, जहां तक मेरा मानना है, आप वॉक करें, वॉक से बेहतर मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। उसके अलावा बटरफ्लाई आसन जो हम नीचे बैठ के करते हैं, वो भी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप डॉक्टर से जब मिलेंगे तो डॉक्टर आपको लोअर बॉडी की मसाज के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से चलते फिरते एक्टिव रहेंगे जितना प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी अलाउ कर रही है। अगली बात यह है कि सही तरीके से उठें, बैठें और सोएं। ना ही आपको झटके से उठ जाना है, ना ही आपको झटके से बैठना है, और ना ही जैसे तैसे सोना है। अब बात आती है शुरू के 3 महीने। तो पहले जब से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब से लेके 3 महीने तक जमीन पे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। बिग नो टू दिस, ओके। उसके बाद आप थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ सकते हैं। जब भी आप बैठे तो अपने पीठ के पीछे सपोर्ट जरूर रखें। पीठ के पीछे जब आप सपोर्ट रखेंगे तो आपकी जो पेट है, जब 8-9 मंथ में बेबी का साइज बड़ा हो जाता है, बाहर की तरफ आता है, तो बैक पे आप अगर सपोर्ट रखेंगे तो आपके पेट पे दबाव कम रहेगा और आप घुटन या बेचैनी से महसूस नहीं होगी, बहुत कंफर्टेबल रहेगी। इसी तरह उठना, उठते समय धीरे धीरे उठें आप, तो उससे भी आपको किसी तरह की अनजानी सी समस्या आपको नहीं होगी। बात आती है सोने की, कि सोना कैसे चाहिए। कई वीडियोस हैं, ऐसे सोए प्रेगनेंसी में, ऐसे सोए प्रेगनेंसी में, वैसे सोए। फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे सोइए। हालांकि आप अगर लेफ्ट करवट सोती हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई, बच्चे की ब्रीदिंग बहुत अच्छी रहती है और बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है। तो हमको उस दौरान अपने कंफर्ट के साथ साथ अपने पेट के अंदर पड़ रहे बच्चे के कंफर्ट को भी, उसकी एक्टिविटी का भी ध्यान रखना। इसीलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा लेफ्ट की करवट सोएं और पेट के बल बिल्कुल भी ना सोएं, वो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और आप पीठ के बल सोइए आराम से, और जब आपको प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा आप लेफ्ट करवट लीजिए। ऐसा नहीं कि आप राइट करवट सो ही नहीं सकते, बट हाँ, जब एक तरफ दर्द हो जाए सोते सोते, तब आप थोड़ा बहुत देर के लिए चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लेफ्ट में सोएंगे तो वही बात है कि बच्चे को कंफर्ट रहेगा, उसकी ब्रीदिंग, उसका ऑक्सीजन सप्लाई सब कुछ अच्छी से मिलती रहेगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हालांकि हाइड्रेशन, पानी पीना, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना और वेट कंट्रोल, ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं और इसको तो आप बिल्कुल मिस ही ना होने दें। तीसरी अगली बात जो हम इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं आपको, वो है वेट को कंट्रोल करना। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें और इस पर बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रखें। देखिए फ्रेंड्स, आपका वेट अगर बिफोर प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तब नॉर्मल है, जैसे आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो नॉर्मल में है, तब आप 12 से 15 किलो वेट गेन कर सकते हैं। इतना वेट गेन एक हेल्दी प्रेगनेंसी में होना चाहिए, हो सकता है 12 से 15 किलो। अगली बात है एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव। तो आप ऐसे डॉक्टर का चयन करें जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपको आपकी सही स्थिति को समझाए, सही स्थिति को बताए। आप डॉक्टर से हर चीज को डिस्कस कीजिए, जो डॉक्टर आपको आपकी सही स्थिति समझा पाएगा। आपको समझना चाहिए कि वो डॉक्टर आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एक एक्सपीरियंस्ड दाई को अपने साथ रखें जब हमारा डिलीवरी का समय नजदीक आने वाला हो। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको वो हेल्प कर देंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी टिप्स, वो सारी ट्रिक्स और वो सारी जरूरी बातें जो आपको हेल्प करेंगी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। तो फ्रेंड्स,
बने रहिए YouTube शैली पे, देखते रहिए इसी तरह से जानकारी से भरे वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपको जो आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।